हाँ बाबू, अगर जीरो हटा देंगे तो दिस इज बाबू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के पहले जीरो लगा दो तो होल नंबर है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, होल नंबर है। तो जो भी बाबू आप ये पढ़ोगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे, तो जो भी पावर रहेगा इस स्तर पे जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए। मतलब पावर ना ही निगेटिव होना चाहिए बाबू और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। निगेटिव मतलब क्या, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और ना ही क्या होना चाहिए बाबू, फ्रैक्शन होना चाहिए, थ्री बाई टू, फाइव बाई सेवन, इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहेंगे वो कैसा है, पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका कुछ एग्जांपल लिखते हैं, देखना कौन कौन होगा नहीं होगा, है ना। समझ में आ गया ना बाबू, जो भी पावर रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए, है ना। मतलब निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, अब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान ले ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड पॉलिनोमियल होगा। हाँ सर, देखिए यहाँ पावर क्या है, वन है, जहाँ भी बाबू कुछ नहीं पावर मेंशन है तो वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया ना। आप लोग लिखिएगा तो तीन तीन लाइन छोड़ के बाबू इस ऊपर से तीन लाइन छोड़ के एग्जांपल लिखते चलिए, समझते चलिए। जैसे बाबू कितना, सिक्स एक्स बाई जेड बाबू आप प्लस सेवन बाई बाबू आप प्लस फोर सिक्स जेड हो गया, ये भी क्या मेरा एक पॉलिनोमियल है बाबू, है ना पॉलिनोमियल। थ्री लाइन छोड़िए ना डिफाइन करने के लिए बाबू, डिफाइन अभी नहीं ना पहले आपको समझा देना, ठीक है। चलिए पहले समझ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट समझ लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में घर पे लिखिएगा ना, आपको तो इतना फैसिलिटी है, पहले समझ लीजिए ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू कितना है, टेन एक्स रेज टू द पावर फाइव प्लस फाइव एक्स रेज टू द पावर फोर बाबू प्लस थ्री एक्स रेज टू के स्क्वायर। तो सभी जगह पावर क्या पॉजिटिव नंबर है ना बाबू, वन टू थ्री फोर है ना, तो ये भी क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होंगे। आएंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है बाबू। पावर नेगेटिव में भी हो सकता है, समझ लीजिए पहले ना, जो जो डाउट है समझ लीजिए, उसके बाद पढ़ाने के बाद पूछ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। जैसे सेवन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाबू प्लस एट एक्स बाई प्लस सिक्स, तो यहाँ पावर क्या सब जगह पॉजिटिव है बाबू, है ना। मतलब क्या पावर निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपके क्या होंगे बाबू, पॉलिनोमियल्स होंगे। कहीं भी बाबू मान लो एक्स रेज टू द पावर टेन दिया हुआ प्लस एक्स रेज टू द पावर नाइन दिया प्लस एक्स रेज टू द पावर सेवन दिया प्लस एक्स रेज टू द पावर सिक्स दिया हुआ है ना बाबू, अब तो कहाँ तक है, तो सोवन तक एक्स रेज टू द पावर जीरो आ गया, है ना। तो सभी जगह पावर क्या बाबू, पॉजिटिव नंबर है ना, होल नंबर है, तो इसको भी क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इतना सर क्या है बाबू, एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के। यदि बाबू यही एक्स रेज टू द पावर माइनस टू दे दिया जाए प्लस एक्स क्यू दे दिया जाए प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया जाए प्लस थ्री दे दिया जाए, तो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि पावर यहाँ निगेटिव है, हाँ दिस इज बाबू नॉट पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है सर, सेवन नंबर, कहीं बाबू टेन एक्स रेज टू द पावर फाइव प्लस बाबू सिक्स बाई फोर प्लस थ्री बाबू जेड के पावर माइनस थ्री, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ निगेटिव नंबर है, तो ये है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बाबू एट नंबर, एट नंबर बाबू, कहीं बाबू मान लो कितना है, पहले समझ लीजिए ना उसके बाद फिर लिख लीजिएगा, फाइव एक्स स्क्वायर बाई रेज टू द पावर थ्री बाई टू प्लस बाबू सिक्स एक्स फाइव और बाई रेज टू द पावर सेवन बाई टू प्लस थ्री, तो ये भी बाबू पॉलिनोमियल सर, ये भी नहीं होगा क्योंकि बाई के पावर क्या बाबू, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है सानवी? यस सर। हाँ बाबू, और एग्जांपल सर, सेवन नंबर, एट नंबर, नाइन नंबर, नाइन नंबर बाबू, अगर ये रहेंगे बाबू, ये कहीं रहेंगे, इस प्राणी का नाम आप लोग जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो ठीक है। स्क्वायर रूट सर, इसको हम लोग कहते हैं बाबू स्क्वायर रूट कहते हैं, ये सब जानना चाहिए आपको। इस प्राणी का नाम बाबू क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। तो कहीं भी यह प्राणी भी दिख जाए, ये विचित्र नामक प्राणी दिख जाए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब क्या सर, जैसे रूट एक्स बाबू, कोरोना है सर, हाँ बाबू थ्री बाई टू बाबू, चलो यहाँ सिर्फ खाली थ्री लो, थ्री बाबू प्लस बाई के स्क्वायर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये दिख गया, पॉलिनोमियल नहीं होंगे, है ना। ठीक है बाबू, जैसे एक्स बाई जेड सर प्लस बाबू सेवन एक्स स्क्वायर प्लस बाबू सिक्स एक्स बाई के, इसको रूट कर दो, तो ये प्राणी दिख गया ना बाबू,
तो ये प्राणी दिख गया तो इसको भी पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहेंगे, है ना? 11 नंबर नहीं है, 11 नंबर बाबू। 7x बाबू प्लस अंडर रूट 6 इंटू पाई प्लस 4 इंटू जेड। यहाँ ये प्राणी दिख गया ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा सर। अरे शैतान, ये कांस्टेंट से मतलब नहीं है मेरे शैतान, सिक्स है ये, सिक्स है बाबू, ये पॉलिनोमियल होगा। ओ सर पावर में होगा तब वो नहीं होना चाहिए, बाय वेरिएबल में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल है, एक बाय वेरिएबल है बाबू, कांस्टेंट से मतलब सिक्स मेरा कांस्टेंट है ना। फंस गए आप लोग, फंस गए बाबू आप लोग, तब तो कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, कैसे आप लोग पढ़िएगा बाबू। 7x / z बाबू प्लस स्क्वायर रूट 98 और एक्स बाय प्लस बाबू सिक्स जेड स्क्वायर। तो देखो सर होगा क्योंकि 98 कहाँ है, वेरिएबल देखो एक्स बाय जेड का जगह पावर क्या है, तो ये पॉलिनोमियल होंगे, है ना? ठीक है बाबू, तो इतने सारे एग्जांपल आपको क्या जितना भी पॉसिबल के साथ सब करवा दिए है ना बाबू, मजाक मजाक में, ठीक है ना? अभी इसको डिफाइन करना है बाबू, तो कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम हो गया ना बाबू, फाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अभी 15 मिनट है सर। अरे शैतान 15 मिनट है, टाइम हो गया, कहीं सब हल्ला करने लगता है। फाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू इन विच, इन विच बाबू द वेरिएबल, दिमाग खराब हो जाता है, इन विच बाबू वेरिएबल इन्वॉल्व, वेरिएबल इन्वॉल्व बाबू हैव, है बाबू ओनली वेरिएबल इन्वॉल्व, इन्वॉल्व वेरिएबल, वेरिएबल इन्वॉल्व बाबू हैव ओनली। अब देखो वही वही जो मेरा था, कहाँ कहाँ से होना, कहाँ कहाँ से होना बाबू, तुरंत मैडम थोड़ा सा छोड़िए कि ये सब एकदम तुरंत लग जाते हैं, नॉन नेगेटिव इतना कौन केयर करेगा बाबू, इतना स्कूल में भी केयर नहीं होता, पीछे बैठ के और उधर पबजी फ्री फायर चलते रहता है, बताइए इतना बढ़िया क्लास है, देखो ना तुरंत। यस सर मेरा दोस्त भेज के खेलता रहता है सर। हैविंग बाबू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर, पावर इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड बाबू पॉलीनोमियल। इंटीग्रल क्या होता है, वही इंटीजर, इंटीजर बाबू, इंटीजर, इंटीजर, इंटीग्रल कुछ नहीं है, डरा दिया गया, इंटीजर, इंटीजर क्या, इंटीजर क्या मेरे शैतान, आई एन सर 1 2 3 एंड माइनस 1 2 3 है ना, वो भी कैसा इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला नहीं मेरे शैतान, नेगेटिव इंटीजर माइनस 1 होता माइनस 2 होता है ना, माइनस 1 माइनस 2 भी होता था, वो वाला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, इट्स कॉल्ड बाबू पॉलिनोमियल। अरे मेरा गलत हो गया, अब आप लोग का बाबू पूरा कवर हो गया, 4 घंटे 5 घंटे में बाबू, इट्स कॉल्ड बहुत। सर आप कल 7 बजे वाला क्लास में क्या पढ़ा रहे थे सर, हम मिस कर दिए सर, वीडियो डाल दिए बाबू, इट्स कॉल्ड बाबू पॉलिनोमियल। अब आप लोग राइट डाउन कीजिए सर, 10 और 11 सर लिख लिए हां बाबू ठीक। अरे मॉर्निंग इवनिंग में सर मुझे अभी इसका स्क्रीनशॉट ले, हाँ बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एंड करते हैं, आदित्य को बाबू हेल्प कर दीजिए, जानवी ये जानवी आप खाली अपने स्वयं है ओके सर, थोड़ा सा कॉल करके पूछ लीजिए और इस वीडियो को हम अपलोड कर देते हैं, है ना, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, रो रही थी बाबू, हमको बहुत रोना आता है उसको देख। सर स्टार कौन है सर, अभी ज्वाइन किया है कोई, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाबू, है ना, और आप ग्रुप में डाल देंगे, लिख लीजिए वहाँ। गुड इवनिंग सर, आप जिसका क्वालिटी बढ़िया बाबू वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका क्वालिटी बढ़िया चाह रहा है मेरे में तो होगा, हाँ चले आ गया, ठीक है सर 7 बजे मिलते हैं, ठीक है बाबू आप लोग 7 बजे आइए, हाँ बाबू गुड इवनिंग, 7 बजे 7 बजे सारे दोस्तों को बुला के लाए बाबू, ऐसा क्लास कहीं नहीं चल रहा है पूरे इंडिया में, ऐसा लाइव नहीं चलता है, लाइव चलता है लेकिन वही है चौक बोर्ड वाला कंसेप्ट है ना, और इतना प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं हो रहा, हाँ चौके बोर्ड है बाबू, चौक व्हाइट बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है ना,
इतना पंचुअल नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह से आए है ना। ठीक है बाबू, एंड करते हैं, अभी हमको क्लास लेना। यस सर, बाय सर। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू सर। आप लोग डाटा रिचार्ज कीजिए, 7 बजे मिलते हैं, 7 बजे ज्वाइन हो जाए ना बाबू। मेरे को डाटा रिचार्ज करने का, मेरा 3.5 GB डाटा बचा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड बाबू। आप जो भी फ्रेंड है सभी को लेके आइए। कौन है आपके पापा है जानवी बाबू की मम्मी है? मम्मी है? यस सर। दीजिए मामा से बात करते हैं। सर कैन आई लीव? यस बाबू, यस बाबू, यू कैन गो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। क्लास कैसा लग रहा बाबू को, समझ में आ रहा है? मैम पूछते हैं फीडबैक। हाँ हाँ हाँ, वो समझ में उसको आ रहा है अभी। वो जो लिख रही थी आज सारा होमवर्क की, आपने जो दिया था होमवर्क की, और जो थोड़ा डाउट हो रहा था मुझे पूछा, तो फिर हो गया फिर इसका। चलिए ठीक है, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी बात है। कवर करेंगे कदम, देखिए इसको संडे को पूरा बैकअप लें, 3 से 4 आवर पढ़ाएं उसको, पूरा टेंशन हो गया इतना टाइम। इतना टाइम कोई नहीं देता मैम, इतना टाइम कोई देता ही नहीं है, ठीक है ना। इतना अभी जैसे 5 से पढ़ा ना, फिर इसको 7 बजे 7 बजे से पढ़ाएंगे। अभी 6 से 10th वाले का क्लास है, तो इसको फिर से 7 से 8 बजे फिर 7 से 8 पढ़ाएंगे। इन लोग का होमवर्क इतना स्कूल का होमवर्क भी ज्यादा दे देते हैं। अभी वैकेशन शुरू नहीं हुआ है उसका, थोड़ा वही इशू है, नहीं तो वो कर लेगी, धीरे धीरे करके कर लेगी। नहीं मतलब बस आधी भर था, अभी इसका बैकअप क्लास नहीं ना होगा, अभी इसका जो नॉर्मल क्लास है 7 से 8 वही चलेंगे। ये तो इतना आगे मैंने 3-4 क्लास हो गया था ना इवनिंग में, तो उसको हम सोचे कि पीछे से आएगी तो बहुत समझ में नहीं आएगा, तो बैकअप था मैंने एक तरह से है ना। अब इसका एक्स्ट्रा क्लास, अभी इसका एक्स्ट्रा क्लास नहीं होंगे। आदित्री बाबू के साथ क्या इशू, कल वो रो रही थी। हाँ आदित्री को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो वो रो देती है। हाँ, इसको अगर कुछ नहीं आता है। हाँ हाँ, थोड़ा मासूम है। वही वो भी ट्रैक पे आ जाए। देखिए उधर के स्टूडेंट ना थोड़ा टीचर से ज्यादा मेहनत खोजते हैं, वही टीचर सक्सेस होंगे। जब मैंने 2-3 घंटा टाइम नहीं देकर पढ़ाएंगे ना, तब उधर का स्टूडेंट को, आपके साइड का स्टूडेंट को समझ में थोड़ा आएगा, यही इशू है ना मैम। ये इन लोग का बिल्कुल नहीं है ना, थोड़ा इन लोग को नया लग रहा है इसलिए, और स्कूल का भी पढ़ाई दे रहे हैं, तो अगर आप जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा, तो वही इनका हो जाता है। समर वेकेशन शुरू हो। हाँ इसको कह रहे थे मैम सिलेबस निकाल के दे देते, जो हम सिलेबस भेजे ना इसको प्रिंट निकलवा देते बाबू, ताकि देखते ना कि कहाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसका प्रिंट निकलवा देते हैं। समझ में नहीं आया क्या बोले मैम? हम जो पढ़ाएंगे उसका सिलेबस, देखिए कोई भी क्लास चलता है तो सिलेबस होता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का सिलेबस होता है है ना, तो उस सिलेबस को कि बाबू को प्रिंट निकलवा के दे देते, हम ग्रुप में डाल देंगे सिलेबस का फॉर्मेट और उसको PDF डाल देंगे। okay, वो मोबाइल में है ना, मोबाइल में ओपन नहीं होगा, जब भी ओपन होगा लैपटॉप में ही ओपन होगा, तो उसका प्रिंट निकलवा दीजिए बाबू को, ताकि देखेगी ना कि है ना ये हमको पढ़ना है ना मैम। हाँ वो कर लेंगे। हाँ कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में है ना। ठीक है ठीक, कोई भी चीज सुंदर लगता है देखने में तो और मजा आता है पढ़ने में, इसीलिए हम देखते हैं मल्टी कलर यूज करते हैं बोर्ड पे, रेड ग्रीन ब्लैक, ताकि स्टूडेंट थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। हाँ वही ठीक है, चलिए ठीक है मैम, बाय मैम, क्लास अभी लेना। थैंक यू, बाय, मोस्ट वेलकम मैम।